अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक हैं आप लोग? आज मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके पास दोबारा हाजिर हूं। बच्चों, जो लास्ट हमने लेक्चर किया था और मैंने उसमें आपको एक असाइनमेंट दी थी, मैंने कहा था कि मैं आपसे सुनूंगा वो एंगल्स जो रिप्रेजेंट किए गए थे अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आज सबसे पहले तो आप जस्टिफाई करेंगे अपने आप को शो करके बताएंगे मेरे सामने कि क्या वाकई आप लोगों ने याद किए या नहीं। अगर नहीं किए तो फिर इसका मतलब है कि कंडीशन डेंजर है, और अगर आपने तैयार किए हैं तो काइंडली मुझे सुनाइए, रिवाइज कीजिए। मैं सुन रहा हूं आपकी बात। जी जी, मुझे आ रही है आवाज़, बिल्कुल मैं समझ गया। कुछ बच्चों ने तो सुनाया और कुछ बच्चे खामोश रहे। तो बच्चों, जो असल जो चीज़ है वो है ओबीडियंट होना, और अगर आप लोग ओबीडियंट हैं, जो मैं कह रहा हूं आप उसे फॉलो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हुल अजीज आप बहुत स्ट्रांग तरीके से मैथमेटिक्स को समझ जाएंगे। और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, शायद मेरा ख्याल है आपको रोज़ा लगा हुआ है और आप रोज़े की हालत में और काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरी स्ट्रेंथ फिर भी आपके साथ है। इंशाल्लाह ताला मैं दुआगो हूँ कि आप लोग अच्छा वर्क करेंगे। तो खैर, मैं आपको खुद से दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो बच्चों, पहला एंगल था जीरो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा था पाई बाई टू, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। मैंने आपको ये बात कही थी कि बच्चों, जब तक आपकी जबान के ऊपर ये चीज़ फ्लुएंट नहीं होगी तो आप ट्रिग्नोमेट्री को समझने में बहुत देर करेंगे। अगर आप फ्लुएंट हैं, आप जल्द अज जल्द पढ़ना जानते हैं, मतलन साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसेकेंट, मतलन 0π/2π, 3π/2π, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप बहुत स्पीडली आगे काम करते चले जाएंगे। तो पहले नंबर के ऊपर 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। तो 0π/2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, और 3π/2 270 डिग्री, और जब 1 रोटेशन कंप्लीट होता है, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, तो यहां पे 360 डिग्री यानी कि 2π बन गया। तो खैर बेटे, ये चीजें मैंने आपको याद करवा दी थी। अगर मैंने नहीं याद करवाई और आप लोग सही याद नहीं कर सके, तो आज के लेक्चर में मैंने दोबारा से रिकॉल करवा दिया, आप याद कर लीजिए। आज मैं इधर से ही आगे चलूंगा। जी बच्चों, प्लीज जरा नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। ये मैंने वो टेबल बना दिया इधर जो आप मैट्रिकुलेशन में बार बार याद करके आए हैं। मैट्रिक में हर बच्चे ने इस टेबल को याद किया है, तो इस टेबल को बनाने का तरीका भी टीचर्स बताया करते थे मैट्रिक में आपको, कि 0, 1, 2, 3, 4 लिख लो, फिर 4 से डिवाइड कर दो और स्केयर रूट ले लो। मेरी बातें आपको याद आ रही हैं? जी बेटे, ऐसा था। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको वो पुरानी रिवायती तरीके से दोबारा से याद करवाएं, टेबल बनवाएं। अब आपको ये कीमतें याद करनी हैं। बाद बच्चे कहते हैं सर हम कैलकुलेटर से कीमतें निकाल लेंगे। बेटे, बाद का पेपर में मैंने ऐसे देखा है कि कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं दी जाती, तो आप लोगों को इसके ऊपर मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। मैं कुछ टिप्स दे देता हूं, आप कुछ वैल्यूज को याद कर लीजिए। बेटे, 30 और 60 के दरमियान 45 है, 30 और 60 के दरमियान 45 है, और 45 के ऊपर साइन और कॉस बराबर होते हैं, 1/√2। याद कीजिए आज मेरे साथ कि 30 और 60 के दरमियान 45 है, और 45 के ऊपर साइन और कॉस बराबर होते हैं, 1/√2। 1/√2, तो टेन क्या होगा? 1 होगा। दोनों वैल्यूज जब डिवाइड होंगी, साइन ओवर कॉस टेन बनेगा, तो वो 1 हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने अभी आपको पलक झपकते हुए याद करवा दी। जब भी आज के बाद 45 का नाम आएगा, आपके जहन में फौरन एक चीज क्रिएट होगी कि साइन और कॉस 45 के ऊपर बराबर होते हैं, 1/√2, 1/√2, और टेन 45 1 हो जाता है। तो आज आपको बता रहा हूं कि साइन 31/2 होता है, कॉस 61/2 होता है। ये तिरछे, यहां पे फिर तिरछे अमल करते हैं। अगर साइन 31/2 है तो कॉस 61/2 होगा, अगर साइन 30√3/2 है तो कॉस 30√3/2 होगा। अब आपको याद हुआ, ये इससे रिजेंबल, ये इससे रिजेंबल, ये दोनों आपस में बराबर। तो टेन वाली कीमतें आप डिवाइड करके हासिल कर सकते हैं, 1/√3, ये 1, और ये डिवाइड हो गए, √3 आएगा। अब इधर 0 और 90 के ऊपर भी मैंने टेबल को एक्सप्रेस किया है। बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ी सी मजीद डेप्थ में जाके बात बताऊंगा कि साइन जो होता है वो साइन 0, 0 होता है, और दोबारा जाके 180 के ऊपर 0 होता है, स्ट्राइकिंग पॉइंट टू स्ट्राइकिंग पॉइंट। जब
एक शख्स बॉल को फेंकता है, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है डेफिनेटली, तो फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स में आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल का आर्टिकल पढ़ा है, तो प्रोजेक्टाइल जब एक बॉल को यूं उछाला जाता है, फेंका जाता है, तो जब वो गिरती है पहला स्ट्राइकिंग पॉइंट जीरो और फिर दूसरा स्ट्राइकिंग पॉइंट 180 के एंगल के ऊपर जाके दोबारा वो टकराती है, तो 90 बीच में आता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की वहां पे होती है, साइन 91, याद रख लेना आपने साइन 91, और इसी तरीके से ये कॉस 01, ये इस तरह से आपस में तिरछे बराबर होंगे, यहाँ पे साइन 00 और यहाँ पे कॉस 90 और इसी तरीके से, यानी कि ये उससे रिजेंबल और वो इससे रिजेंबल, और डिवाइड करके ये कीमतें, ये टेबल आज आपकी मैंने असाइनमेंट दी, इसे आपने याद करके आना है। नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, उससे पहले आप ये बात याद कर लीजिए कि साइन 00 साइन 00 इस साइड पे एक्स एक्सिस पे 0 होता है, साइन 00 और उसके बिल्कुल पैरेलल 180 होता है, अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 है, तो इधर लिखा हुआ है साइन 00 साइन 180 डिग्री यानी साइन पाई 0 और कॉस 0, कॉस 0 बच्चों होता है 1, अगर कॉस 01 होता है तो उसके बिल्कुल पैरेलल 180 है, उधर डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से -1 उसकी कीमत हो जाएगी, तो याद रखना है कॉस 01 कॉस 180 -1। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बात बताई थी कि बेटे साइन 90 जो होता है 1 होता है, ऊपर 90 है साइन 91 और 90 के बिल्कुल अपोज नीचे 3π/2 270 है, अगर साइन 90 ऊपर 1 है तो नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस की वजह से उसकी कीमत -1 होगी, ऊपर 1 नीचे -1, ये कीमत, ये टेबल की कीमतें ये आप याद कर लीजिएगा, कॉस अगर 90 ऊपर 0 है तो बिल्कुल नीचे 3π/2 है और उसके ऊपर भी उसकी कीमत क्या होगी 0 होगी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे कीमतें दोबारा सुनूंगा, आज ये आप इसे याद कर लीजिए। जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, मैंने इधर आपके साथ डिस्कस करना है, प्लीज जरा देखें नेक्स्ट स्लाइड, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सिंपल, जस्ट आपने कीमतें पुट करनी है बच्चों, इधर ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपनी अपनी बुक्स पे कंसर्न कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने ली सॉल्यूशन उसका, यानी मैंने पूरा क्वेश्चन इधर लिख दी है, जस्ट मैंने कीमतें पुट की, साइन 60 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 कॉस 30 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 कॉस 60 1 ओवर 2 जो भी है, मैंने आपको कीमतें याद करवाई है, साइन 30 1 ओवर 2 और उस साइड पे साइन 30 है वो क्या बोला 1/2, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से 3 ओवर 4 -1/4। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम जरा, जी तो जी बेटे यहाँ पे 3/4 -1/4 3/4 में से 1/4 गया तो 2/4 कट के 1/2 दोनों साइडें आपस में सेम आ गई, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल था जी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटे, हमारे पास ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में बहुत दफा आ चुका है, ये बस मैं स्पीडली जरा इसे रिवाइज कर देता हूँ, इसे परफॉर्म कीजिएगा। जब मैं इसे बेटे लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसकी सिलेक्ट की तो ये रेशो वाला क्वेश्चन है, साइन पाई बाई 6 यानी कि 30 साइन 30 स्केयर साइन 45 स्केयर साइन 60 का स्केयर साइन 90 का स्केयर, अब मुझे मेरी हेल्प कीजिए, बताएं मैंने क्या बताया था साइन 30, जी ठीक है साइन 30 आपने ठीक बताया 1/2 और कॉस 60 वो 1/2 होता है, शाबाश। तो बेटे साइन जब आपने 30 पुट किया 1/2 का स्केयर, साइन 45 और कॉस 45 बताइए मैंने क्या बात बताई थी, साइन 45 और कॉस 45 दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 का स्केयर और साइन 90 साइन 90 साइन 00 साइन 180 0 और 0 और 180 के दरमियान 90 होता है जहां पे साइन की मैक्सिमम कीमत 1 होती है, तो जब मैंने साइन 91 पुट किया, इनके स्केयर ले लीजिए इन कीमतों के, 1/2 का स्केयर 1/4 1/√2 का स्केयर 1/2 3/4 एंड 1 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, रेशो है हर वैल्यू को 4 से जरब दे, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसे 4 से 4 कट गया 1, इसे 4 से मल्टीप्लाई 2 to the 4 2 आ गया, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, तो बच्चों ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो यही हमारे आज के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक क्लू दिया है कि आप किस तरीके से वैल्यूज पुट करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। बाकी बात बच्चों यही है कि मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बढ़ाई, बगैर इसके हरगिज किसी ने ना पाई, ना इज्जत ना दौलत ना फरमा रिवाई।
मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो मेहनत कीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।